वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। कराची के साइट SIT साइट एरिया है, वहां पे ज़कात यानी कि जो आर्म्स देते हैं, जो खैरात देते हैं, उसकी लाइन में लगे थे लोग। वहां पे आटा वाटा जो भी बट रहा होगा, वहां पे इतनी भगदड़ हुई कि 12 लोगों की जाने एक साथ चली गई। उसमें से कई सारी तो औरतें थी, कुछ बच्चे थे, और मेजॉरिटी औरतों और बच्चों की थी जो उस लाइन में खत्म हो गई। अब ये देखिए कि ये कहते हैं कि स्पोक्सपर्सन इंजर्ड हैव बीन शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल व्हाइल फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडर अंडर। देखो, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। बिल्डिंग ढह जाए, कुछ ऐसा हो जाए, वो दुनिया में हर जगह होता है। पाकिस्तान में हो गया, भारत में हो गया, अमरीका में हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। यहां पर खाने के लिए हो रहा है, और ये ऐसा मुल्क है कि जहां के लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोग आटे के लिए एक दूसरे को रौंद रहे हैं अपने पैरों तले। लेकिन इसके मन से जिहाद नहीं जा रहा, इसके मन से जिहाद नहीं जा रहा। भूखा है भूखा मरते रहे। जो इनकी फौज है, जो इनकी सरकार है, जो इनका अशराफिया है, जो इनका टॉप लेवल जो क्रीम है पाकिस्तान का, उसके मन से जिहाद नहीं जा रहा। मेरा बेटा जाएगा ऑक्सफर्ड, गरीब का बेटा जाएगा गड्ढे में, वो लड़ेगा जिहाद। आप समझ रहे मेरी बात? ये पाकिस्तान की फिलॉसफी रही है। इसलिए मैं पाकिस्तानियों से बार बार, जब ये कश्मीर के जिहाद की बात करते हैं ना, मैं पाकिस्तानियों से सिर्फ एक बात पूछता हूं, सिर्फ एक बात, यार मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारे कौन से जनरल का बेटा आके कश्मीर में लड़ा, ये बात बता दो मुझे। कोई एक तुम्हारे मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, किसी का तो बेटा होगा। चीफ छोड़ दो, तुम्हारे चीफ के तो सारे बच्चे बाहरी हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल के, उसको छोड़ दो। कोई लड़ा कर्नल का बेटा भी? कोई कर्नल कह सकता है कि मेरा बेटा गया था और भारतीय फौजों से लड़ते हुए कश्मीर में शहीद हुआ? एक है कोई? चूहों की फौज, बुजदिलों की फौज, गरीबों को भेजते रहना, वही गरीब जो आटे की लाइन में भी पिसता है और यहां पे भी आके कश्मीर में ठोकता है। यह असली किरदार पाकिस्तानी सरकार का दोस्तों। दूसरी खबर यह है कि भाई लोगों ने अपने 3 मेजर एयरपोर्ट, अभी एयरपोर्ट कहां के हैं उसमें पक्का, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो एयरपोर्ट्स हैं इनके, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के, इन्होंने बोल दिया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये एयरपोर्ट दे दिए जाएंगे। अच्छा, ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई भी गलत बात नहीं है कि आपने PPP मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आपने दे दिए कि प्राइवेट पार्टी चलाएंगी, ऐसा इनके मन में कोई ख्याल आया। इंडिया में भी ऐसा होता है, विदेशों में भी ऐसा होता है, तो ये बात को, लेकिन ये जो एयरपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी गिरवी हैं। इन एयरपोर्ट्स के एवज में पाकिस्तान अरबों डॉलर पहले ही ले चुका है चीन से, ये चीन को गिरवी हैं। अब उनको आउटसोर्स कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उनमें से पैसा कमाएं। अब कैसे कमाएंगे मैं बता रहा हूं। आपने कभी ये देखा है कि गन्ने की मशीन में गन्ना डलता, आपने देखा होगा जूस वूस देते हैं जो सड़क के कोनों में कहीं खड़े रहते हैं स्ट्रीट साइड में, वो पहले एक बार गन्ना डालता है, ठीक है, 2-3 गन्ने एक बार डालता है, फिर दूसरी बार गन्ना डालता है, फिर तीसरी बार गन्ने को फोल्ड करके डालता है, चौथी बार वो गन्ने को मोड़ के डालता है। और कैसे डालता है? मशीन पहले चलती है, धक 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 धक, वो मशीन बंद होने को होती है, फिर वो धक्का मारता है कि आखिरी बूंद जूस का निकल जाए। ये पाकिस्तान उसी नहज पर खड़ा हो गया कि आखिरी बूंद, वो धक 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 धक, वहां पे पाकिस्तान हर एक एसेट को या तो गिरवी रखो या कुछ ऐसा करो कि उसमें से और जूस निकल जाए, है ना। ये पाकिस्तान कर रहा है अपने एयरपोर्ट्स के साथ, अपने बच्चों के पार की गिरवी रख चुका है, अपने मोटरवेज, अपनी सड़कें गिरवी रख चुका है, अपने एयरपोर्ट, यहां तक कि जो पाकिस्तान रेडियो है, पाकिस्तान रेडियो की बिल्डिंग तक इन्होंने गिरवी कर दी। F9 या F11 करके कोई पार्क है इनका इस्लामाबाद में, जहां पे बच्चे सवेरे खेलते हैं, उसको गिरवी रख, इन्होंने पूरे मुल्क को गिरवी रख दिया। और IMF इनको पैसा देकर राजी नहीं है, चीन इनको पैसा देकर राजी नहीं है। 2 अरब डॉलर की खबर आई है, जो इशाक डर पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो ऐसे कर रहा है। पिछली बार मैंने उसको काफी टोका था, तो वहां पर पाकिस्तानियों ने मेरा वीडियो बहुत चलाया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना लोन मिल गया। अरे बेवकूफ आदमी, अल्लाह का शुक्र करते हैं तुम्हें भीख मिल गई, तुम्हें यह लिखना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद मुख्तार हो गए।
हमने चलो हमने कुछ बनाया है, हमने कार बनाई है, हमने एक मोटरसाइकिल बनाई है, हमने कुछ बनाया जब दुनिया को, अल्लाह का शुक्र इसमें मनाओ। तुम अल्लाह का शुक्र इसलिए मना रहे हो कि तुम्हारे किसी दोस्त ने या तुम्हारे किसी दूसरे मुल्क ने जिसके साथ तुम्हारे संबंध अच्छे उसने तुम्हें भीख दे दी, तुम उसमें खुश हो रहे हो। लेकिन फिर $2 अरब का लोन जो है चाइना ने पाकिस्तान का रोल ओवर कर दिया, सिर्फ इतना सा है कि ठीक है यार तुम्हें जुलाई में देना था, तुम्हें काम कर दो तुम अगले साल के जुलाई में दे देना। कोई नया पैसा नहीं आया पाकिस्तान में, और चीन को भी पता है कि यह डूबा पैसा है। चीन तो चाहता ही हमारे पैसे डूब जाए, पाकिस्तान को कब्जा कर ले वो, लेकिन कितनी बार कब्जा करेगा भाई? एक एयरपोर्ट को तुम कितनी बार कब्जा करोगे? हो तो गया कब्जा एयरपोर्ट पे, और कितनी बार कब्जा करना है? कब्जा करते करते कब्ज हो गया चाइनीज को, नाउ दे आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन कि भाई ये निगला जाए नोगला जाए, अब करना क्या है इस चीज का? ठीक है, अब पाकिस्तानियों ने बोला कि भाई साफ सीधी बात है, ये गए चाइना, मैं आपको बताता हूं असली में स्टोरी ये गए चाइना, चाइना से उन्होंने बोला कि जी ऐसा है कि हमारे बस का नहीं है, हमने आपके पैसे खा लिए, अब हम आपको वापस नहीं कर पाएंगे, अब बताओ क्या करना है। अब चाइनीज ने कभी ऐसा तो मामला देखा नहीं था अपनी जिंदगी में कि एक बंदा यह कह रहा है कि साहब तुम्हारे पैसे हम खा गए और खाने के बाद अब हमें नहीं पता क्या करना, इल्ले इल्ले है बस, अब हम नहीं कर सकते वापस, अभी क्या करेंगे उसका, क्योंकि सब चीज गिरवी रख चुके हैं। अब ये सोच रहे हैं चीनी यार क्या गिरवी रखें यार, एयरपोर्ट हो गए, बस स्टैंड हो गए, अब ये बता रहा हूं जो स्कूल है ना बच्चों के, अब ये बच्चों के स्कूल गिरवी रखेंगे। ये आइडिया दिया मैंने इशाकदर को, आप ये मत सोचना मैंने आइडिया दिया इशाकदर को, अब बच्चों के स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं, अस्पताल हैं, ये सब गिरवी रखो, बहुत माल है पाकिस्तान में भाई, गिरवी रखते रहो रखते रहो। कभी अपना किरदार ठीक मत करना, ठीक है, कभी अपना किरदार ठीक मत करना, कभी मेहनत मत करना, कभी कौमियत मत पैदा करना अपने अंदर, ठीक है, जिहाद फी सबीलिल्लाह, बस घोड़े पर चढ़कर तलवार लेके गजवाई हिंद करना है बस, चाहे 12-12, 20-20 लोग मर जाएं रोटी की लाइन में, चाहे लोग मर जाएं आटे की लाइन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, गजवाए हिंद इज नंबर वन। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट ने, याद है मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि 45,000 acres जो जमीन है कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए फौज को दे रहे हैं, पाकिस्तानी सरकार ने यह फैसला करा कि पंजाब में 45,000 acres जमीन है जो हम आर्मी को दे देंगे, आर्मी वहां पर खेती करेगी। अच्छा, ये फौज लड़ने के काबिल तो है नहीं भाई, मैं खेती भी करेगी, कोई भी हो इनका प्रधानमंत्री, फौज तो इनकी वही है, ठीक है, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, हुएवर इट इज, फौज करती है ना, फौज ने क्या करा मैं आपको बताता हूं। ये फौज जब 370-35 से हटा था कश्मीर से, आपको याद होगा अमित शाह जी पार्लियामेंट में कहते हैं कि आज से 370-35 से हट गया, ये फौज जिसने सारा पैसा खाया था कश्मीर के नाम पर, हिंदू दुश्मनी के नाम पर, भारत दुश्मनी के नाम पर, जिसकी नेशनल सिक्योरिटी, जिसकी डिफेंस, जिसकी डिप्लोमेसी सारी की सारी कश्मीर पे बेस्ड है, इस पाकिस्तानी फौज ने हमला नहीं करा भारत पे, 370-35 से हट गया, चुप रहे बिल्कुल चुप। अब पता लगा कि क्यों चुप थे, इसलिए नहीं कि डर गए, वो एक अलहदा बात है, डर गए वो अलग चीज है, पर दैट वॉज नॉट द मेन रीजन, द मेन रीजन इज लालच, क्योंकि इनको ये सब करना है, इनको शॉपिंग मॉल चलाने हैं, इनको जानवरों की जो ईद में बकरीद में जो खालें होती हैं जानवरों की, जो जिबा करते हैं जानवरों को, हलाल करते हैं जानवरों को, उनकी खालें बेचते हैं पाकिस्तानी फौजी, इनको रियल एस्टेट के धंधे में पढ़ना है, इनको एग्रीकल्चर में पढ़ना है, इनको ये सारे, ये कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं, ये बच्चों के डायपर बनाते हैं, मैं पाकिस्तानी फौज की बात कर रहा हूं, ये बच्चों के डायपर बना के बेचते हैं, ये खाने बेचते हैं, दे कुक, ये काम करती है फौज इनकी। फिर कहती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अबे कहां से बनेगा, तुम तो गल्ले पे बैठे हो, कहां से बन जाएगा कश्मीर पाकिस्तान, ये बता दो मुझे कि साहब यहां से बन जाएगा, हमने ये तीर तुक्का मार दिया, कख नहीं करा इन लोगों ने अभी तक। अब लाहौर हाईकोर्ट ने बोल दिया कि तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी, अब देखिएगा कुछ महीने के बाद चुपचाप ये डिसीजन रिवर्स हो जाएगा, हो सकता है मीडिया में भी ना आए। अब ये पाकिस्तानी पता है क्या करेंगे, उस जज के पास किसी कर्नल को भेजेंगे, वो कर्नल साहब के घर पर रात को पहुंचेगा और कर्नल साहब जो हैं जज के कंधे पे हाथ रखेंगे, ठीक है, ऐसे, और बोलेंगे जज साहब बहुत हो गया, बस इतनी डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में कि आप एक बयान दे दो, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, वरना 6 इंच जमीन के नीचे कर देंगे तुम्हें, चुपचाप जब साइन कर देगा, और ये जमीन पाकिस्तानी फौज को जानी जानी है, ये पाकिस्तानी फौज ने मन बना लिया है कि हमें खेती बाड़ी करनी है, पाकिस्तानी फौज करेगी खेती बाड़ी, यार किसी का बाप नहीं रोक सकता उसको। बस पाकिस्तानी फौज ये नहीं कहती कि हम भारत से जंग करेंगे, अब ये हवा उनकी निकल गई, कारगिल के बाद ये हवा निकल गई, उसके लिए पैसे नहीं है, उसके लिए हिम्मत नहीं है, उसके लिए जज्बा नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं है, उस कश्मीर के लिए
जिसपे इन्होंने अपने मुल्क की चार नस्लें बर्बाद कर दी और अपने मुल्क की नस्लों के ना खून में जहर भर दिया। हिंदुओं के खिलाफ अपने मुल्क के जो लोग थे, बाशिंदे थे पाकिस्तान के, उनकी नसों में जहर भर दिया भारत के खिलाफ। भारत हमें खा जाएगा, भारत ने हमें तस्लीम भी नहीं करा आज तक कि पाकिस्तान को यह है। ये सब झूठी बातें, ठीक है। बस अपने मुल्क को जोश में रहो और हमें पैसे देते रहो, हम फौज है। लेकिन जब मौका आया 370-35 से हटाए, मौका आया, यही फौज थी जो चुप, बिल्कुल इन्होंने चू नहीं करी, इस फौज ने चू नहीं करी। और ये जो फौज, भारत तो खैर बहुत बड़ी बात है, ये टीटीपी के खिलाफ चू नहीं कर पा रहे हैं। टीटीपी वाले डेली आके ठोक रहे हैं उनको, कल भी एक मार दिया एक पाकिस्तानी फौजी को, ये कुछ नहीं कर पा रहे। दे आर एबल टू डू जीरो, जिल्च, नाडा, ये कख नहीं कर पा रहे। बस बड़ी बड़ी बातें इनसे करवा लो पूरी। मैं कहना नहीं चाहता, देखिए पाकिस्तानी को, तो पाकिस्तानी लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैंने एक बात देखी है पाकिस्तानी लोगों में, ज्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा, बट अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, इवन द सिविलियंस, इनकी आदत है, खासतौर से जो पाकिस्तानी पंजाब के लोग हैं, मैंने सिंध वालों को ऐसे नहीं देखा, बलोचों को नहीं देखा, मैंने पश्तूनों को भी नहीं देखा, ये मैंने पाकिस्तानी पंजाबी है जो लाहौरी है, लाहौरी चूरन वाले जितने भी हैं, मैंने इनको देखा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये, औकात इनकी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम तो ऐसे हैं जी, हम ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। ये पाकिस्तानी पंजाब में कूट कूट के भरा हुआ है, ये लाहौर, सियालकोट और ये जितने भी इनके एरिया हैं, जो भी, वॉट एवर द एरियाज दे हैव इन पाकिस्तानी पंजाब, इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं लोग, इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि मुझे तो लगता है यार, पता नहीं क्या ये कौन सा तीर मारने वाले हैं। फिर पता लगा नहीं, इस गुब्बारे में सिर्फ गर्म हवा भरी है, हीलियम गैस, इस गुब्बारे के अंदर कुछ है नहीं, गुब्बारा ही असल में, ठीक है। तो इन लोगों ने सब कुछ की हमारी, अच्छा फौज में सारे पाकिस्तानी, फौज में पाकिस्तान आर्मी में सारे पाकिस्तानी पंजाब के हैं 90% लोग। अब 90% लोग वहां के हैं तो पूरी फौज ही ऐसी है, गोल गुब्बारा। तो ये वहां पे चल रहा है, लाहौर हाईकोर्ट ने मना कर दिया तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी। अब ये अपनी जो कोर्ट है ना, ये कोर्ट पे चढ़ दौड़ेंगे, क्योंकि भारत पे चढ़ दौड़ने की हिम्मत तो है नहीं इन लोगों के पास, तो अपनी कोर्ट पे चढ़ दौड़ेंगे। अब देख लीजिएगा अगले 3-4 महीने में क्या होगा, उस जज की कुटाई हो जाएगी, जज पे फायरिंग हो जाएगी, या जज को धमकी हो जाएगी उसके घर पे, कुछ भी होगा, एक्स वाई जेड, बाहें मरोड़ेंगे जज की, और चुपचाप यह 45,000 acres की जमीन पाकिस्तानी फौज के पास चली जाएगी। बिकॉज दिस आर्मी इज ओनली गुड फॉर फार्मिंग, ये फौज सिर्फ इस काम के लिए बनी है कि गल्ले पे बैठे और धंधा करे, ये लड़ने वाली फौज नहीं है पाकिस्तानी आर्मी। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर है 2023 की फैक्ट शीट रिवील करी है, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर 2023 की एनुअल फैक्ट शीट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसने ये बोला है कि पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, जो पाकिस्तान में टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है बच्चों को, उसके अंदर माइनॉरिटीज के खिलाफ इतना जहर है जो पहले से ज्यादा जहर है। मैं आपको बताता हूं इनके कैसे कैसे स्टेटमेंट होते हैं, और आप इंडियन टेक्स्ट बुक से कंपेयर करिएगा हमारी टेक्स्ट बुक कितनी बैलेंस्ड है। इसलिए तो आप देखेंगे इंडियंस जो भी हैं वहां पे टॉप की पोजीशन में बैठे हैं। आप कभी भी किसी कंपनी में देखिए, आपको वहां पे नंबर 1 या नंबर 2 आपको इंडियन मिलेगा, अमेरिका में, यूके में, कहीं पर भी। क्यों? क्योंकि हमारी पढ़ाई अच्छी है, इनकी पढ़ाई गंदी है। हिंदू धोखा देते हैं, मैं आपको सही बोल रहा हूं, हिंदू धोखा देते हैं, हिंदू बुजदिल होते हैं, हिंदू गलत हैं, बस ये हैं ना, इन्होंने अपनी चार नस्लें निकाल दी पाकिस्तान में, ये ऐसा है, वो ऐसा, ये एक्चुअली अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि हिंदुओं पर भरोसा नहीं करना है, सिखों पर भरोसा नहीं करना है, ईसाइयों पर भरोसा नहीं करना है, यहूदी गंदे होते हैं, हैं हैं हैं, ये बिल्कुल जमीन तक हैं, दैट्स इट। ये खुद कह रहे हैं, इनकी खुद रिपोर्ट ये कह रही है कि यार हम लोगों ने क्या बच्चों के दिमाग में जहर डाल दिया, वी हैव पॉइजन द माइंड ऑफ आर चिल्ड्रन थ्रू टेक्स्ट बुक्स। ये बच्चा, छोटी पाकिस्तानी बच्चा, सोचिए छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, ठीक है, उसका टीचर उसको क्या पढ़ा रहा है, उसका टीचर उसको स्कूल में पढ़ा रहा है। हमारे यहां बच्चों को कहते हैं कि कोडिंग सीखो, ठीक है, बच्चों को स्कूल में कह रहे हैं कोडिंग सीखो, इंटरेस्ट नहीं था आ रहा, हम लोग देखते थे ना, अच्छा अभी भी खालिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, अभी भी खालिस्तान, तो ठीक है वो टॉपिक तो था, लेकिन जब पाकिस्तान के बारे में मेरे साथ बात करते हैं ना यार, मजा आ जाता है जिस तरह की वो करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोग वन बाय वन अपने टॉपिक्स कवर करते हैं जो मेरे साथ ने आज हम बात की है। सबसे पहले उन्होंने बात की जो कराची के में हादसा पेश हुआ, कल भी मैंने आपको पता है रात की जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे
ये मामला पेश आया है कि लोग लंबी कतारों में लाइनों में खड़े थे, यानी कि हिरात का समझ लें ज़कात की जो थी आटा जो था वो दिया जा रहा था, तो उसमें तकरीबन 12 से 15 औरतें बच्चे बताए जा रहे हैं जो कि हलाक हुए। तो यार मतलब इस तरह और की जख्मी भी हुए थे तो इस तरह की तो मतलब कंडीशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर। तो मेजर साहब कहीं ना कहीं कह रहे थे कि मतलब क्या मतलब जिस तरह के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।